नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, और आप लोगों को बता देना चाहूँगा जो अभी भी चैनल से जुड़े हैं कि हमने अभी तक बायोलॉजी के इस एक जो नया मैंने यहाँ पे कोर्स चलाया है सी टेट के अलावा, इसमें हमने पहला लेसन जो है स्टार्ट किया था, जिसमें हमने व्हाट इज़ बायोलॉजी एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स एंड और डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो द एनिमल किंगडम यानी कि पादप जगत के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों से मिस हो गए हो मैं इसमें आई बटन में दे दूंगा लिंक, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है पादप जगत क्या है। ठीक है, जो पादप जगत है उसको क्या निम्नलिखित भागों में वर्गीकरण किया गया है। इसमें हम पादपों का अध्ययन करते हैं यानी कि पौधों का। अब क्रिप्टोगैम्स की पहली बात करते हैं। ठीक है, पहला भाग जो डिवाइड किया गया वो क्या गया क्रिप्टोगैम्स में। इसमें क्या है, लीनियस ने क्या है सर्वप्रथम क्रिप्टोगैम शब्द उन पौधों के लिए प्रयुक्त किया जिनके बाहर से दिखाई देने वाले लैंगिक अंग उपस्थित नहीं थे। तो लीनियस ने सर्वप्रथम जो है यहाँ पर डिवाइड किया था प्लांट्स को, और उन्होंने क्रिप्टोगैम्स कहा था जिनमें क्या है कि जो बाहर से हम जो जो उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो बाहर से नहीं दिखते थे। ये पादप पुष्प व बीज विहीन होते हैं। ठीक है, इनमें फूल और बीज नहीं बनता है। क्रिप्टोगैम्स को क्या तीन विशाल भागों में विभाजित किया गया, फिर इनको तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है इसमें थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा में क्या आते हैं, ये सरल तथा प्राचीन एवं आद्य पादप हैं। इनमें पादप शरीर थैलस के रूप में होता है। ठीक है, इसमें जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस के रूप में होती है, और इसमें क्या है कि जो ट्रू रूट्स और स्टेम और लीव्स नहीं मिलती हैं। ठीक है, वास्तविक जड़ तथा पत्ती विभाजित नहीं होता इनका शरीर। थैलोफाइटा आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, जनन एक कोशिकीय होते हैं। बाह्यतः क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। यदि बहुकोशिकीय होते हैं तो उन पर बंध्य या रोगाणु रहित आवरण का अभाव रहता है। ठीक है, स्टाइल जो एक आवरण होता है वो इनमें नहीं मिलता है। दोस्तों, भ्रूण व संवहन ऊतक भी नहीं पाए जाते हैं इनमें। क्या है, एम्ब्रियो भी नहीं मिलेगा आपको, और संवहन ऊतक यानी कि जैलम फ्लोएम फिन वेस्कुलर बंडल्स वो भी नहीं मिलते हैं। इस विभाग में शैवाल कवक बैक्टीरिया तथा लाइकेन में रखा गया है। अब बात करते हैं हम दूसरे डिवीज़न की, जो है ब्रायोफाइटा। इस विभाग के अंतर्गत रखे गए पादप थैलोफाइटा के अधिक उन्नत है। ठीक है, क्योंकि जो एक पेड़ बनता है दोस्तों, एक पौधा ट्री जो जिसे बोलते हैं, वो एक धीरे धीरे जो प्रोसेस बनती है, एक धीरे धीरे सबसे पहले थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर ऐसे करके जो है फ्लावरिंग प्लांट्स बने हैं। हाँ साहब, इसके जनक क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं तथा चारों ओर से बंधे कोशिकाओं के रक्षी आवरण से घिरे रहते हैं। ठीक है, इन पौधों में दारु पोषवा फ्लोएम वो तने का अभाव होता है। ठीक है, मतलब इनमें फ्लोएम और ट्रू लीव्स नहीं पाए जाएंगी, राइजोइड्स होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है कि एक जो मुख्य बात है दोस्तों, इनमें निषेचन के लिए क्या है, जल आवश्यक है, यानी कि जो इनके फर्टिलाइजेशन है उसके लिए क्या है कि वाटर आवश्यक होता है। इसलिए कहते हैं इन्हें प्रिमिटिव एम्फीबियस प्लांट। इनको एम्फीबियस प्लांट इसलिए बोला जाता है क्योंकि पानी आवश्यक होता है रिप्रोडक्शन के लिए, और शैवालों से हुआ है इसका जन्म, जो हुआ है शैवालों से हुआ, जैसे कि मॉस से। अगला है टेरिडोफाइटा। ये क्या होते हैं, ये पादप सुविकसित संवहन युक्त है। ठीक है, इनमें क्या होते हैं कि वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं और अपुष्पोष्पित होते हैं क्योंकि इनमें भी फूल नहीं बनता है। इनका पादप का बीजाणु उद्भिदित होता है, स्पोरोफाइट होता है जो जड़ तथा पत्तियों में विभेदित रहता है। ठीक है, इन पौधों में पुष्प बीज का निर्माण नहीं होता है। इन पौधों को संवहन बंडल अपुष्पी पौधे वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। तो वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है इन फंस को। ठीक है, यहाँ से इन्हें भी ट्रू लैंड प्लांट्स कहा जाता है। फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट जो हैं ये टेरिडोफाइट हैं क्योंकि इनमें वेस्कुलर बंडल्स भी पाए जाते हैं। कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि जाइलम में ट्रैकेट्स का अभाव होता है और फ्लोएम में जो कंपेनियन सेल्स है वो नहीं मिलती हैं, उसके बारे में हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, और इसलिए इनको फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट भी कहा गया है। अब बात करेंगे हम सबसे विकसित यहाँ पे आता है इससे पहले का फेनेरोगैम्स। ठीक है, जो इनसे अधिक विकसित हैं फेनेरोगैम्स यानी कि पुष्पी पौधे या स्पर्मेटोफाइट्स कहा जाता है, बीजी पौधे, इनमें बीज बनता है। ये पादप पुष्प व बीज युक्त होते हैं। फेनेरोगैम्स को दो भागों में विभाजित किया गया है, अनावर्त बीजी पौधे यानी जिम्नोस्पर्म। इस वर्ग के पौधे बहुवर्षीय तथा काष्ठीय होते हैं। ये पौधे नग्न बीजी नेकेड सीड जिम्नो
मेंस होता है दोस्तों नेकेड, और स्पर्मा सीड्स यानी कि क्या होता है कि इनमें अंडा से क्या होता है उपस्थित होता रहता है, फलों का निर्माण नहीं होता और बीज सीधे ही पौधे से लगे रहते हैं। ठीक है, सीड आर नॉट इनक्लोज इन द ओवरी होता है इनमें। जाइलम से वाहिनियों तथा फ्लोएम से कंपेनियन सेल जो है इनमें अनुपस्थित होते हैं इनमें भी। ठीक है, वेसल्स नहीं मिलेंगे जाइलम और कंपेनियन सेल नहीं मिलेंगे फ्लोएम में। जनन अंग शंखों के रूप में होते हैं, जैसे चीड़ और देवदार में आपने देखा होगा। ठीक है, कोन्स जैसे उसमें बना रहता है। अब बात करेंगे जो सबसे डेवलप इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। ठीक है, एडवांस रूप आवर्तबीजी पौधे यानी एंजियोस्पर्म, इस वर्ग के पौधे एक वर्षीय, द्विवर्षीय अथवा बहुवर्षीय होते हैं। इनमें अंडा से उपस्थित होती है, इसमें बीजांड होते हैं, निषेचन के पश्चात अंडा से फल में बदल जाता था, बीजांड बीजों में बदल जाते हैं। ठीक है, जो ओवरी होती है वो मैच्योर ओवरी फ्रूट होती है और जो ओवियोल होगा मैच्योर वो सीड्स बनाएगा। अतः इन पौधों में बीज फल के अंदर बनते हैं। ठीक है, इनके जो फल हो बीज होता है वो फल के अंदर बंद रहता है। इन पौधों में जाइलम हेलिका तथा फ्लोएम में कंपेनियन सेल उपस्थित रहता है। तो ये पूरा एडवांस्ड यहाँ पे प्लांट्स होते हैं, तो इनमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार के पौधे आवृतबीजी पौधे से अधिक विकसित होते हैं। आवृतबीजी पौधे को भ्रूण उपस्थित कोटिलेडोन की संख्या के आधार पर दो विभागों में गया। ठीक है, जो इनके बीज पत्र होते हैं उनके हिसाब से दो भागों में इनको डिवाइड किया गया है। मोनोकोटिलेडोन्स यानी कि एक बीज पत्री, इनके भ्रूण में केवल क्या होगा, एक बीज होगा। देखिए आपने देखा होगा गेहूँ मक्का आदि में मेनली ये जो ऐसे ही बात करें द्विबीज पत्र की तो इनमें क्या होंगे, दो बीज पत्र होंगे जैसे कि चना मटर आदि। ठीक है, अब दोस्तों कुछ वनस्पति विज्ञान का क्षेत्र एवं उसकी शाखाएं पढ़ लेते हैं। देखिए कितना बड़ा स्कोप है इस बॉटनी वनस्पति विज्ञान का और कितनी सारी ब्रांचेज हैं इसके बारे में आपको आज पता चलेगा। पहला है इसका बाह्य आकृति यानी कि आकृति विज्ञान, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी इसमें पता लगती है हमें। ठीक है, जैसे कि मॉर्फिमिस होता है फॉर्म और लोगोस। ठीक है, इसके अंतर्गत हम पौधों के बाह्य आकार या बाह्य रचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है, साधारण देखिए बाह्य रचना क्या होती है, बाह्य आकार की होती है। ठीक है, शारीरिकी में इसमें मतलब क्या है कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी कि प्लांट्स के जो बाहरी जो भी मॉर्फोलॉजी है उसकी उसको देखा जाता है। ठीक है, बाहर की आकृति। एनाटॉमी में क्या होगा, अंदर का भिन्न विभिन्न कांटों जैसे कि सेक्शंस की सहायता से क्या होता है, पौधों की संपूर्ण आंतरिक संरचना। ठीक है, जितनी आंतरिक संरचना एनाटॉमी का अध्ययन करते हैं। एना मीन्स होता है अंडर। ठीक है, इस अध्ययन को क्या कहते हैं, इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है। जैसे इसको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहा जाता है वैसे इसे इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। अगला है ऊतक विज्ञान या औतकी यानी कि हिस्टोलॉजी, इसमें क्या होता है, ऊतकों का अध्ययन ऊतक विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, जिसमें यानी कि ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि टिश्यूज का जहाँ पर अध्ययन किया जाएगा उसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऐसे दोस्तों कोशा विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा, कोशिका का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी सहायता से अलग अलग जो है कोशिका अंगों का अध्ययन किया जाता है। बाकी दोस्तों आप इसमें मैं वीडियोस में देखिएगा, समय के से मैं जल्दी आपको बताऊंगा क्योंकि हम इनको डिटेल में आगे पढ़ने ही वाले हैं। केंद्रक को कैरियोलॉजी में जो आपको केवल इतना इसमें पता होना चाहिए कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कैरियोलॉजी है तो इसमें न्यूक्लियस का अध्ययन किया जाएगा केंद्रक का। ऐसे ही प्लांट फिजियोलॉजी में क्या होता है कि जितनी भी प्लांट्स में केमिकल और फिजिकल एक्टिविटीज चलती हैं एनवायरनमेंट के बीच जो उनका आदान प्रदान होता है उसको देखा जाता है प्लांट फिजियोलॉजी में, यानी कि फिजिक्स नेचर ऑफ लाइफ। ठीक है, जैविक क्रियाएं जितनी भी प्लांट में चलती है वाइटल एक्टिविटीज उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन। ऐसे ही अगला है वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी में आपको पता हुआ अरेंजमेंट ऑन लो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि इसमें क्या है कि नेमिंग ऑफ प्लांट्स भी आप कह सकते हैं कि प्लांट्स में नाम दिया जाता है। इसमें इस बार पूछा भी गया था दोस्तों, जो इस बार एग्ज़ाम हुआ था लेक्चर का उसमें पूछा गया था कि टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है, तो पौधों को नाम देने के लिए ये संबंधित है मेनली। और परिस्थिति या इकोलॉजी, इकोलॉजी की अगर बात करेंगे हाउस और लोगोस मीन्स होता है साइंस या स्टडी। ठीक है, लोगोस मीन्स होता है स्टडी, तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर पौधे व उसके समुदाय पर वातावरण का प्रभाव व विपरीत पौधे व उसके समुदाय का वातावरण का प्रभाव, यानी कि जो वातावरण के साथ हमारा संबंध है किसी भी पौधे का जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है इकोलॉजी। ठीक है, और भूमि संरक्षण आदि भी इसी के अंदर आता है। प्लांट जियोग्राफी, इसमें क्या होता है कि भूमंडल के विभिन्न भागों में पौधों के वितरण डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है प्लांट्स का अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज में उसके अध्ययन करते हैं इस शाखा में।
अनुवंशिकी जेनेटिक्स में क्या होता है कि वंशागति के क्या नियम है, ठीक है, जेनेटिक्स के लॉ और माता पिता से समानता और असमानता क्यों होती है बच्चों में, इसका अध्ययन करते हैं जेनेटिक्स में। एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग में क्या है कि अच्छी प्रकार के और अच्छी नस्ल के पौधे कैसे पैदा किए जाएँ उसके बारे में प्लांट ब्रीडिंग में अध्ययन करते हैं। इम्ब्रियोलॉजी में इम्ब्रियो का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, और इसमें किस तरह से डेवलपमेंट के बाद जैसे प्लूमूल भी, कोटलोडॉन स्मॉल जो रेडिकल है, ठीक है, इसमें क्या होता है प्लूमूल से सूट बनती है, रेडिकल से रूट बनती है, तो इस तरह की चीज़ों का अध्ययन हम इस एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और पैलियोबॉटनी में हम फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं यानी कि जीवाश्मों का। ऐसे ही आर्थिक विज्ञान, इकोनॉमिक बॉटनी, तो आपको पता ही हो चल गया होगा कि नाम से ही है कि इसके अंतर्गत क्या है कि जो प्रोडक्ट्स का, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हैं प्लांट्स के उनका अध्ययन करते हैं, जैसे औषधि, मसाले, गोंद, कपड़ा आदि, खाद्य पदार्थ, रेशे, ठीक है, लकड़ी देने वाले पौधे, इनका अध्ययन हम किया जाता है। और पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान, इसमें पौधों में लगने वाले रोग और उनके कारण व उपचार का अध्ययन किया जाता है। जैव विकास में, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में किस तरह से जीवों का सरल जीव से जो कठिन जटिल जीव है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, एक क्रम से हम उसको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। देखिए बहुत ही शाखाएं हैं विज्ञान की, माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों का, माइक्रो ऑर्गेनिम्स का अध्ययन करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में जो जीव जगत के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, बायो यहाँ पर केमिस्ट्री जुड़ गई ना, तो यहाँ पर क्या है कि हमें रिएक्शंस का हम अध्ययन करते हैं, बायो मीन्स लिविंग बींग्स में। ऐसे ही बायोफिजिक्स कहेंगे तो भौतिकी के सिद्धांतों के संदर्भ में जैव क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही मॉलिकुलर बायोलॉजी में दोस्तों अंतर्गत जैव रसायन व आणविक जो आधार है उसका अध्ययन किया जाता है, मॉलिकुलर मॉलिक्यूल्स का क्या रोल है। ऐसे ही परागण पैलिनोलॉजी में जो परागकण है उनका क्या रोल है या उनका अध्ययन किया जाता है। ऐसे बायोमेट्रिक्स की बात करें तो इसके अंदर क्या जैविक किनारों के परिणामों को सांख्यिकी, जब क्वांटिटेटिवली यानी कि संख्या के रूप में दिखाना होगा तो जैव बायोमेट्रिक्स को हम यूज़ करते हैं। ऐसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसके अंदर क्या है, आनुवंशिक पदार्थ का जोड़ना और तोड़ना, अलग करना या एक लक्षण को, अच्छे लक्षण को समावेश करने के लिए इस तरह से जब इंजीनियरिंग की जाती है जेनेटिक्स में, हमें पता है कि जीन्स का अध्ययन करते हैं हम, तो उन्हीं को जब वेलबींग के लिए, ह्यूमन के लिए यूज करते हैं तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आ जाएगा। साइटोटैक्सोनॉमी में आता है कि जब हम संरचना के आधार पर उपस्थित गुणसूत्र के संदर्भ में आधार पर कोश की संरचना का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ऐसे कीमोटैक्सोनॉमी में क्या होता है कि जो प्राणियों में उपस्थित विशेष रसायनों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक में दोस्तों जो हम अध्ययन करते हैं मेनली कि क्या जीवित तो है उनके उत्पादों का, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छा हो उसका अध्ययन हम करते हैं इस बायोटेक्नोलॉजी में, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं या प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ऐसे ही बायो एनर्जेटिक्स में क्या होता है कि ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी की बात करें तो एनर्जी फ्लो और उसके रूपांतरण का अध्ययन हम करते हैं। ऐसे ही एथनोबॉटनी में, एथनोबॉटनी के अंतर्गत जो प्रारंभिक मानव है, ठीक है, और उनके पौधों के संबंधों का अध्ययन करते हैं। ऐसे फूड टेक्नोलॉजी में फूड का कैसे उसका संरक्षण करना है, स्थानांतरण करना है, भंडारण करना है वैज्ञानिक विधियों द्वारा, इस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं। अगला है जेनिकोलॉजी, जेनिकोलॉजी में क्या होता है कि जो पॉपुलेशंस है, ठीक है, पॉपुलेशंस का और उनका अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही जैलोटोमी में जैलम्स की संरचना का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ अन्य शाखाएं जो इकोनॉमिकली जुड़ी हुई हैं, ठीक है, हमसे वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ अन्य शाखाएं जैसे ब्रांचेज अलाइड टू बॉटनी जो उनसे संबंधित है, ठीक है, जैसे कि सब्जियों की कृषि ऑलेरिकल्चर कहा जाता है। देखिए दोस्तों मैं इस तरह से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका कम समय में ज़्यादा नॉलेज मिले। आप इनको वीडियोस को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं आराम से कि कौन सी किस में, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आपका अगर यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि बेसिक में इतनी सारी इसकी ब्रांचेज हैं, अगर आप अच्छे से नहीं देखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और ऑलेरिकल्चर है, जैसे ऑलेरिकल्चर में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, इस तरह से आप याद कीजिए। सिल्वीकल्चर या फॉरेस्ट्री में वनों के विकास, देख रेख, ठीक है, वनों का अध्ययन जिसमें किया जाएगा। फ्लोरिकल्चर में आप लोगों को पता होगा कि पुष्प प्रधान करने हैं, जैसे फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स जिनसे फ्लावर बनता है, ठीक है, इनका काम क्या है, सजावट के लिए जो पौधे यूज किए जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जाम में, सजावट के लिए या
पुष्पों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो फ्लोरिकल्चर आपको सही उत्तर लिखना होगा। ऐसी अन्य शाखाएं हैं दोस्तों, एक है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसमें क्या होता है, वृक्षों की आयु, एज जानने के लिए वृक्षों की, ठीक है, उसका अध्ययन करते हैं। आर्बोरिकल्चर में इसमें सजावटी वृक्षों और झाड़ियों, अब देखिए सजावटी फूलों और वृक्षों और झाड़ियों में आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, तो इसलिए हर चीज़ को अच्छे से देखिए। आर्बोरिकल्चर में जब झाड़ियों का अध्ययन होगा, सजावटी वृक्षों का। ऐसे पोमोलॉजी में तो फलों का संरक्षण, ये कॉमन है और पूछा भी जाता है बार बार। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी में क्रॉप्स का अध्ययन होता है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में पुष्प फल देने वाले, ठीक है, यही फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर में अंतर है। इसमें फल भी देने वाले पौधे, वृक्षों एवं बागों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे फार्मेकोलॉजी में क्या हुआ कि जिनसे औषधियाँ मिलेंगी, ऐसे पौधों का अध्ययन किया जाएगा। अगला है मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान में क्या करेंगे, पेडालॉजी में मृदा यानी कि सॉइल का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाएगा। ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइट्स का, लाइकेनोलॉजी में लाइकेन्स का। ऐसे माइकोलॉजी में फंजाई का किया जाता है, ये भी कॉमन क्वेश्चन बनता है कि माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी एल्गी का अध्ययन है, टेट्रोलॉजी टेट्रोफाइट्स का, स्पर्मोलॉजी स्पर्म सीड का, ठीक है, वायरोलॉजी वायरस का। ऐसे ही एग्रोफोरेस्ट्री में भी क्या है कि जो भूमि है, ठीक है, उस भूमि का अध्ययन किया जाता है जिसमें शाकी फसलें यानी कि हर्बेसियस क्रॉप्स को उगाई जाती हैं, ठीक है, या ट्री क्रॉप्स को उगाया जाता है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी के अंतर्गत क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो पुष्प हैं उनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही लिम्नोलॉजी की बात करें, सरोवर विज्ञान, इसके अंदर स्वच्छ जल में पाए जाने वाले पौधे, फ्रेश वाटर फॉर्म्स का अध्ययन किसमें किया जाता है, लिम्नोलॉजी में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आने वाले समय में। टॉक्सिकोलॉजी, जियोलॉजी में जो पॉइजन्स हैं, ठीक है, पॉइजन्स का अध्ययन किया जाता है, जो टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं उनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उनका एक्शन क्या होता है लिविंग बींग्स में, उसका अध्ययन किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी में। ऐसे क्रायोलॉजी यानी कि हिम विज्ञान की, जो सजीवों पर ठंडे के प्रभाव, फ्रीजिंग का क्या प्रभाव होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने आज विज्ञान की विभिन्न शाखाएँ पढ़ी, और वनस्पति विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, और जो भी इनमें क्या कहते हैं कि इससे पहले हमने पादप जगत को अच्छे से पढ़ा। तो दोस्तों, ये थे कुछ अच्छे से नोट्स, और इसके बाद कुछ और नोट्स या हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जल्दी लाइव क्लास आएगी, मैं उसके बारे में आप लोगों को जल्दी अपडेट करूँगा, और नेक्स्ट क्लास टैट एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी, उसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। और जो लोग नए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको आगे और किस तरह की वीडियो चाहिए, और कोई सुझाव हो तो वो आपका मैं अप्रिशिएट करता हूँ। प्लीज़ मुझे सुझाव भी दीजिएगा कि किस तरह से आगे और वीडियोस बनाने हैं, और सी टेट 2019 की तैयारी भी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, तो उसके लिए भी चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।